गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम द रेड फाइव. हमने क्लास 9 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने एक लेक्चर देख लिया है. आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. बट बच्चों, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ बातें बोलना चाहती हूँ आपको, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस की अगर मैं बात कर लूँ तो. बिकॉज आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हो, 11th में 12th में जाओगे, तो वहाँ पे आपके टर्म्स यूज होंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. तो वहाँ पे आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप सीखो उस लेवल में जाके कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं. वहाँ पे उतना टाइम नहीं है कि आप बेसिक्स सीखो. तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बेस बनाना है अपना. बेस बनाने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे सीखना है कि कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे आप सीखोगे. अगर उस लेवल में जाके आप हायर स्टैंडर्ड में किसी से पूछोगे कि बताओ भाई एलिमेंट क्या होता है, तो वहां पे लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे कि बच्चे को ये नहीं पता 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में आके कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं. तो आपको सीखना है यहाँ पे और बेस बनाना है अपने हायर स्टैंडर्ड के लिए. तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और बच्चों, इस चैप्टर को मतलब बिल्कुल लाइटली मत लेना, कि यहाँ पे जो है वो सारा कुछ सीखने वाला है. ऐसा नहीं कि जो एपीसीडी पढ़ते आ गए हो यहाँ पे भी वही कंटिन्यू करना है, बिल्कुल नहीं करना. यहाँ पे जो है वो आपको बिल्कुल नई नई चीजें सीखनी है. जैसे एलिमेंट आपने अभी तक नहीं सीखा, कंपाउंड नहीं सीखा, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सारी नई चीजें सीखनी है. और नई चीजें सब जब सीखोगे, जब आप फुल ऑफ कंसंट्रेट होके पूरी लेक्चर को अच्छी तरीके से मतलब सीरियसली बैठ के देखोगे, मजाक करके नहीं. मैं आया, इस लेक्चर को खोला, बंद किया, स्टार्टिंग के 1 मिनट देख लिए, 2 मिनट देख लिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला. और टाइम पर बात करने तो बिल्कुल फायदा, इससे अच्छा आप लेक्चर को खोलो मत, देखो मत. जो आपको करना है, जो खेलना है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो कर लो. बट जब आप पढ़ने बैठो तो पूरे सिंसियर होकर पढ़ने बैठो, टाइम काटने के लिए पढ़ने मत बैठो. बहुत लोग को सोच रहे होंगे कि मैम गुस्सा करिए, बट बच्चे मैं देख रही हूँ आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं हो अपने लेक्चर्स को लेके. बच्चे आ रहे हैं, 1 मिनट खोल के देख रहे हैं, 2 मिनट खोल के देख रहे हैं, वो तो इंट्रोडक्शन में ही चला जा रहा है. तो आप देख क्या रहे हो, आप सीख क्या रहे हो, कुछ भी नहीं सीख रहे हो. तो जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, जब आप टाइम दे रहे हो, तो कुछ सीखो ना, कुछ सीख के उठो. ऐसे ही उठ के टाइम वेस्ट मत करो, इससे अच्छा मत देखो. पर जब देख रहे हो फुल लेक्चर देखो और कुछ सीखो. सॉरी एवरीवन, थोड़ा मैं हाइपर हो गई, बट आपकी ऐसी एक्टिविटीज देख के ना लिटरली बहुत हर्ट होता है. मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हो आप सभी. इस लॉकडाउन का फायदा उठाओ ना, मतलब घर पे आपको इतना टाइम मिला हुआ है, कुछ सीखो उससे. बस ऐसे इधर उधर में टाइम कटने से बिल्कुल, एक ना एक दिन स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, एग्जाम्स होंगे. ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम के लिए है. तो उस टाइम पे क्या करोगे, बोलोगे कि मैंने बस टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ सीखा नहीं. ये आपके पास गोल्डन मौका है सीखने का. सीखो, पढ़ो अच्छी तरीके से और अपने नोट्स बनाते चलो. बिकॉज स्कूल खोलते के साथ आपके एग्जाम्स होंगे. उस टाइम पे आप कोचिंग या स्कूल के भरोसे नहीं रह सकते कि यहाँ से मुझे नोट्स मिलेंगे. उस टाइम पे जो है वो आपका बनाया हुआ नोट्स ही काम आने वाला है. तो आपके जो भी मैंने 3-4 मिनट वेस्ट किए, आई एम सो सॉरी बच्चों, बट मैंने ये आपके लिए ही बोला, आपके फायदे की बात बोल रही हूँ. अगर मानना है मानो, नहीं मानना वो भी ठीक है, बट प्लीज एक बार सोचना जरूर. मैम ने किसके लिए बोला, मेरा क्या फायदा है इसमें, बिल्कुल कुछ भी नहीं. ये जो कुछ भी था मैंने आपके लिए बोला, ठीक है. इसे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत मानना. 3-4 मिनट तो ऐसे ही कहीं दे देते हो. 3-4 मिनट मेरी डांट ही सुन के अगर कुछ फायदा हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है. उसका लेक्चर नंबर 2 है. हमने फर्स्ट लेक्चर में प्योर एंड इम्प्योर को अच्छी तरीके से समझा था. आज जो है हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो हमने प्योर में रखा है एलिमेंट्स को एंड कंपाउंड्स को, ठीक है. और हमने इम्प्योर में रखा है मिक्सचर को.
तो आपने प्योर में रखा एलिमेंट को एंड कंपाउंड में ये होते क्या है? घबराना नहीं है, बिल्कुल मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगी। अब जो है इम्प्योर को मैंने मिक्सचर में रखा है। रीजन देखो, जो आप घर में मिक्सचर खाते हो, डेली जो मिक्सचर खाते हो जब आपके घर में होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बादाम होती है, उसमें सेवियां होती हैं, तो बहुत कुछ से वो मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। और मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, और मैंने प्योर की कैटेगरीज में किसको रखा है, कंपाउंड को रखा है और एलिमेंट को रखा है। आज के लेक्चर में हम एलिमेंट को और मेटल को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो एलिमेंट होता क्या है, देखो एलिमेंट वो सब्सटेंस है कि उसको और आप सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट जो होता है वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया, वैसे सब्सटेंस जिसको और आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं बारी बारी से आपको सारे कैरेक्टर्स पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। आप अपने नोटबुक लेके बैठो और सारे पॉइंट्स को लिखते चलो, और अपने शॉर्ट नोट या नोट्स जो भी कहना है वो बनाते हुए चलो। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल एटम से मिलके बने हुए होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, वो एटम्स से मिलके बने हुए होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, एलिमेंट्स जो होते हैं उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटम्स की तरह ही होती है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई शाइन कर रहा है, कोई शाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो किसकी तरह होंगे, एटम की तरह होंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब जो आता है एलिमेंट जो होते हैं, कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट जो होंगे वो फ्री फॉर्म में पाए जा रहे हैं, कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जा रहे हैं? तो ये जो होता है डिपेंड करता है उसके रिएक्टिविटी पे, एलिमेंट की रिएक्टिविटी कैसी है उस पे ये डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट जो होंगे वो कौन से एलिमेंट जो होंगे वो फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे और कौन से एलिमेंट जो होंगे वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब जो है वो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और एलिमेंट को जो है वो तीन क्लास में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज नॉन मेटलॉइड्स, ठीक है। फिर से एक बार, फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड। और आज जो है वो हम किसको देखने वाले हैं, मेटल को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है आप लोगों का। तो मेटल्स क्या होते हैं, किसी बच्चे को अगर पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे मैम पता था मेटल क्या होते हैं। तो देखो, मेटल जो वो होते हैं जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो आपको ऐड किया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसे देखते जाना और मुझे सुनते जाना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ लो, बिल्कुल अच्छी तरीके से सारा कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे जो मैंने फिगर ऐड किया, जब भी मैंने पेज ऐड किया है, यहाँ पे इस पेज में आप देखना, ठीक है, और मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना अच्छी तरीके से। मेटल क्या होते हैं, मेटल वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हो, ठीक है। जस्ट एग्जांपल आप सोडियम ले लो, ठीक है। तो एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट के पास जो होते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और लूज होने के बाद क्या होता है, वो स्टेबल फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो दुनिया में हर कोई जो होता है वो स्टेबिलिटी चाहता है, हम लोग भी क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट भी जो है, एटम भी जो है, वो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल कैसे होता है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ पे। तो मेटल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज कैसे करता है, देखो
अब कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के पास होते क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जो होता है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, और जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। तो न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन्स के पास जीरो चार्ज, इट मींस न्यूट्रल है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है एटम जो है उसके पास क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है एटम जो है एटम के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव। मैंने सारा कुछ लिख रखा है इसलिए, बिकॉज बिना बोर्ड के समझाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, इसलिए मैंने पहले से सारा कुछ ऐड कर लिया कि एक बार आप ही देखते हुए चलो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज को जैसे ही एटम लूज करेगा तो उसके पास बचेगा क्या, सोचो। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन के पास क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज ही तो सिर्फ बचेगा, बिकॉज निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन था उसे उसने लूज कर दिया। तो लूज करने के बाद जो है वो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज बचा ना। तो क्या होगा, Na जो है, जो मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम का, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देने के बाद जो है सोडियम पे आया कौन सा चार्ज, बचा हुआ कौन सा चार्ज था, सोचो, तुम ध्यान से सोचो, बचा हुआ कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था ना। तो एटम विद पॉजिटिव चार्ज उसे बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं, कटायन। यहां तक क्लियर है? अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, यहां तक तो समझ में आ गया ना मेटल क्या है। अब जो है वो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एक पॉइंट एलिमेंट में नहीं बताया, एलिमेंट जो होते हैं वो गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म क्या हो जाएगा, पोटाशियम, सोडियम, पीरियोडिक टेबल। बच्चों, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट जो होंगे वो आपको याद होने चाहिए, सारा, एटलीस्ट अगर नहीं तो 30 तक तो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ यूज कर रही हूँ, जैसे सोडियम मैंने यूज किया, पोटेशियम यूज किया, तो वो सारे पीरियोडिक टेबल से मैंने लिए है, पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे कहाँ है। ठीक है, मैंने साइड में ये भी ऐड कर दिया है कि आप देखते हुए चलो। अब देखो, जो मैंने क्या कहा, सॉलिड जो होते हैं वो पोटेशियम एंड सोडियम है, लिक्विड में आपके क्या हो जाएंगे, ब्रोमीन हो जाएंगे, मरकरी हो जाएंगे एंड गैलियम हो जाएंगे। गैलियम जो होता है वो लिक्विड होता है, इसलिए वो थर्मोमीटर में भी यूज होता है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन यूज कर सकते हैं ना, एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे कि जो थर्मोमीटर में जो एलिमेंट होता है वो कौन सा यूज होता है, दैट्स द गैलियम। उसके बाद जो है गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में आपके कार्बन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रही थी मेटल्स की। तो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर मैलिएबल। मैलिएबल मींस क्या होता है, अब आप देखो, कभी भी खाना आप ट्रेन में जा रहे हो तो खाना पैक करते हो, तो खाना पैक करते हो तो किस में फॉर्म पैक करते हो, अल्मोनियम फॉयल में पैक करते हो। ठीक है, तो अल्मोनियम फॉयल ऐसा कैसे है, जब किसी भी मेटल को अगर आप हैमर करो, अगर वो थिन शीट में चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे दे आर मैलिएबल। तो उसी का एग्जांपल है अल्मोनियम फॉयल, अल्मोनियम को हैमर करते करते उसे थिन शीट में चेंज कर दिया गया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट में जो है देखो, अब सेकंड पॉइंट में हमारा क्या है, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या है कि मेटल को आप थिन वॉयड के रूप में भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, कॉपर वायर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में भी यूज होता है। समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट मेटल में क्या हो गया, दे आर मैलिएबल। सेकेंड पॉइंट मेटल में क्या हो गया, दे आर डक्टाइल। अब जो हो जाएगा, मेटल आर सोनरस। सोनरस मीन्स क्या है कि अगर आप मेटल को हीट करो
तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। आप देखो मंदिर जाते हो तो मंदिर में बहुत सारे बेल लगे रहते हैं जिसको घंटा बोलते हैं, तो घंटा को आप ऐसे हिलाते हो तो क्या होता है, उसमें से आवाज प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस भी होते हैं। इट मींस कि अगर उसको हिट करो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब जो होते हैं मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट पोटाशियम एंड सोडियम। सोडियम एंड पोटाशियम को छोड़ के मेटल्स जो होते हैं, सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। मैं बता दूं सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे नाइफ मतलब चाकू की मदद से भी काट सकते हो। तो अगर कोई भी चीज हार्ड होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, बच्चों ध्यान से, उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी कि लो होगी, क्वेश्चन है मेरा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज दे आर हार्ड। अगर कोई भी चीज हार्ड है इट मीन्स क्या, उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो फोर्स ज्यादा लग रहा है तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बट कौन से मेटल की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगी, जो हार्ड नहीं है। और मैंने अभी क्या बताया कौन सा हार्ड नहीं है, सोडियम एंड पोटाशियम। तो इट मींस कि एक्सेप्ट एंड सोडियम एंड पोटाशियम सारे मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक जो था वो मैंने आपको मेटल एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया। अब जो है हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। ओके, थैंक यू एवरीवन।